डियर स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो भी एक शॉर्टेस्ट वीडियो है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, ये भी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्लास का टॉपिक है, ये भी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्लास का टॉपिक है, एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें हमें क्या क्या करना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। तो कहता है ऑर्गेनिज्म, पहले तो जानिए कि एसोसिएशन कहते किसको है। कहता है द आर्ट ऑफ लिविंग टूगेदर, द आर्ट ऑफ लिविंग टूगेदर इज नोन एज, ठीक है, द आर्ट ऑफ लिविंग टूगेदर इज नोन एज, ठीक है, द आर्ट ऑफ लिविंग टूगेदर इज नोन एज एसोसिएशन। ये एसोसिएशन जो होता है, ठीक है, ये किसी पर्पस के लिए होता है, ठीक है, फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल, ठीक है, बेनिफिट, ठीक है, ओके। कभी कभी क्या होता है कि बेनिफिट नहीं भी होता है, बट बेनिफिट एक इसका पहलू है। कभी कभी होता है कि नहीं, दोनों को लॉस होता है, ठीक है, और समटाइम वे अनअफेक्टेड और हार्म्ड। ओके, क्लियर। कहता है ये एसोसिएशन किसी के भी बीच हो सकता है, प्लांट प्लांट के बीच हो सकता है, एनिमल एनिमल के बीच हो सकता है, ठीक है, और प्लांट एनिमल के बीच हो सकता है, किसी के बीच हो सकता है, ठीक है। तो ये एसोसिएशन, ठीक है, देखिए कितने तरह, इसको मैं कैसे समझाऊंगा, ये देखिए, मैं यहां पे दो पार्टनर ले रहा हूं, एक ए, ठीक है, और एक ले रहा हूं बी, ठीक है, दो पार्टनर। यहां पे एसोसिएशन का नाम, ठीक है, यहां पार्टनर ए और यहां पे पार्टनर बी, यहां पे एसोसिएशन। मैं आपको बता दूं, ये जो एसोसिएशन है, ध्यान से सुनिए, ये जो एसोसिएशन है, पहला एसोसिएशन जो है वो है म्यूचुअलिज्म। वो क्या है? म्यूचुअलिज्म, पहला एसोसिएशन है म्यूचुअलिज्म। इस म्यूचुअलिज्म में, अच्छा देखिए, अगर हम दोनों पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो, उसके अगर हम फायदे की बात करते हैं, एक मिनट, कोई भी हो पार्टनर, उसके अगर हम फायदे की बात करते हैं तो उसके लिए सिंबल यूज करेंगे प्लस। अगर मान लें उसके लॉस की बात करते हैं तो सिंबल यूज करेंगे माइनस, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो कहता है प्लस सिंबल हो गया, एक माइनस सिंबल हो गया, ठीक है। फिर कहता है कि अगर अनअफेक्टेड है तो जीरो, ये फायदे के लिए, ये नुकसान के लिए, ये अनअफेक्टेड के लिए, दिस इज कॉल्ड अनअफेक्टेड, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, ये किसके लिए, वो अनअफेक्टेड, ये किसके लिए, ये हार्म्ड, और ये किसके लिए, ये, ठीक है, बेनिफिटेड, क्लियर, ठीक है, ये बेनिफिटेड, क्लियर पॉइंट। अब आइए, यानी एसोसिएशन म्यूचुअलिज्म, ठीक है, यानी कि म्यूचुअलिज्म, ध्यान से सुनिए, यानी कि म्यूचुअलिज्म के लिए क्या है, बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, यानी कि दो पार्टनर के बीच एसोसिएशन है म्यूचुअलिज्म में, दोनों पार्टनर एक दूसरे से बेनिफिटेड है, ओके, बट अगर इनको कभी अलग होना पड़े तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। कहता है बोथ आर बेनिफिटेड
benefited to each other, but can't survive without each other. But ये एक दूसरे के बिना क्या करेंगे? सर्वाइव नहीं करेंगे. But ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं करेंगे. Okay? यानी both are benefited to each other, but can't survive without each other. ठीक है point? ठीक है. अब आइए mutualism. उसके बाद mutualism के बाद कहता है proto cooperation. Proto cooperation. Proto cooperation. कहता है इसमें क्या है? इसमें भी both partner are benefited to each other. इसमें भी दोनों partner एक दूसरे से फायदा लेगा, but ठीक है can easily survive without each other. ठीक है each other. यानी कि इसमें क्या है? ठीक है easily survive कर जाएगा after separation. After separation, after separation, clear है? अब देखिए कहता है clear? अब देखिए तीसरा जो है वो बोलता है commensalism, commensalism, commensalism. इसमें क्या होता है? One partner is benefited, another is unaffected. वन पार्टनर इज बेनिफिटेड, अनदर इज अनअफेक्टेड. यानी कि यहां पे ये बेनिफिटेड हो गया, ये अनअफेक्टेड हो गया. क्लियर है? वन पार्टनर इज बेनिफिटेड, अनदर इज अनअफेक्टेड. क्लियर? तो कॉमेंसिलिज्म. ओके, उसके बाद आइए यानी कि म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन, कॉमेंसिलिज्म. ठीक है, कहता अगला. अगला कहता होता है एमेंसिलिज्म. एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म. ये एमेंसिलिज्म में क्या है डियर? कहता है वन पार्टनर इज, ठीक है, अनअफेक्टेड बट अनदर इज हार्म्ड. देखिए अनदर इज हार्म्ड, उसको क्या बोलेंगे? एमेंसिलिज्म. यानी एमेंसिलिज्म इज जस्ट अपोजिट टू कॉमेंसिलिज्म. एमेंसिलिज्म इज जस्ट अपोजिट टू कॉमेंसिलिज्म. अब आए ठीक है. फिर कहता है न्यूट्रलिज्म. न्यूट्रलिज्म यानी कि न्यूट्रलिज्म में क्या बोलिएगा? बोथ पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, फिर उसके बाद आई प्रीडेटिज्म. प्रीडेटिज्म इसमें क्या बोलिएगा? एक पार्टनर बहुत ही ज्यादा फायदा, मोर 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 बेनिफिटेड, अनदर इज सो हार्म, सो हार्म, इट्स एग्जिस्टेंस इज लॉस्ट. यानी प्रीडेटिज्म में क्या है? एक है प्रीडेटर और दूसरा है प्रे. एक ने शिकार किया, दूसरा शिकार हो गया. एक ने शिकार किया, दूसरा शिकार हो गया, उसको बोलते हैं प्रीडेटिज्म. क्या बोलते हैं? प्रीडेटिज्म. ठीक है, यानी कि टाइगर और डियर. टाइगर मजे में मजे में मजे में, और डियर इतना हार्म कि उसका एग्जिस्टेंस ही दुनिया से क्या हो गया? खत्म हो गया. दैट इज कॉल्ड प्रीडेटिज्म. उसके बाद कहता है पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म इसमें क्या बोलिएगा? इसमें ठीक है फायदा एक को नुकसान. और कंपटीशन, कंपटीशन लास्ट में कंपटीशन, इसमें दोनों को नुकसान, दोनों को नुकसान. बोलिए क्लियर है पॉइंट? ठीक है चलिए अब देखिए. ठीक है, अब यहां पे क्या है? ठीक है, ये आपको कहीं कंफ्यूज न कीजिए. ठीक है, अब देखिए ये तीनों जो है, ऊपर के तीनों म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन और कॉमेंसलिज्म, इन दोनों को मिला के बोलते हैं, तीनों को मिला के बोलते हैं सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस इनको बोलते हैं सिम्बायोसिस. ठीक है, यानी कि तीन कौन कौन? म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन और कॉमेंसलिज्म, ये तीनों मिला के, तीनों मिला के क्या है? सिम्बायोसिस. और नीचे आपको ये पूरा मिला के, पांचों मिला के
ये क्या है? कहता है एंटागोनिज्म, 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 एंटागोनिज्म। ये पांचों मिला के क्या है? एंटागोनिज्म। क्लियर है पॉइंट? यानी ये पांचों मिला के एंटागोनिज्म और ये तीनों मिला के सिम्बायोसिस। क्या है? सिम्बायोसिस। क्लियर है पॉइंट? यानी कि सिम्बायोसिस और एंटागोनिज्म फर्क समझ गए। सिम्बायोसिस में फिर से देखिए, सिम्बायोसिस में कहा यह जा रहा है कि या तो फायदा होगा दोनों पार्टनर को या फायदा होगा किसी एक पार्टनर को, बट फायदा जरूर होगा। तो फायदा दोनों पार्टनर होगा, उसमें दो केस है। पहला केस क्या है? म्यूचुअलिज्म। इफ बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, ठीक है। और प्रोटो कॉपरेशन में इसमें भी कहता है बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर बट कैन इजली सर्वाइव विदाउट ईच अदर, बट कैन इजली सर्वाइव विदाउट ईच अदर। तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं। म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल ठीक है, कहता है माइकोरिजा, माइकोरिजा एंड लाइकेन, एंड लाइकेन, ठीक है। प्रोटो कॉपरेशन का एग्जाम्पल, प्रोटो कॉपरेशन इसका एग्जाम्पल क्या बोलिएगा? बुफेलो एंड बर्ड, ठीक है। कोमेंसलिज्म का एग्जाम्पल, कोमेंसलिज्म का एग्जाम्पल क्या बोलिएगा? ठीक है, सार्क एंड रिमोरा फिश। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, रुक जाइए। सार्क एंड रिमोरा फिश। और एक एग्जाम्पल और बताएंगे यहां पे एवेंसिलिज्म का, ठीक है। एवेंसिलिज्म का पेनिसिलियम, पेनिसिलियम फंगस, फंगस एंड ठीक है बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, निमोनी बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। माइकोरिजा और लाइकेन दोनों एग्जाम्पल है किसका? कहता है माइकोरिजा और लाइकेन दोनों एग्जाम्पल है किसका? कहते हैं ये दोनों एग्जाम्पल है, माइकोरिजा और लाइकेन दोनों एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। कैसे? तो कहता है माइकोरिजा में फंगस और हायर रूट का प्लांट, फंगस और हायर रूट का प्लांट, हायर रूट मतलब ये हायर प्लांट का रूट, हायर रूट का प्लांट नहीं सॉरी, ये क्या बोलते हैं उसको, फंगस और हायर प्लांट का रूट, हायर प्लांट मतलब पाइनस का रूट, रूट कॉलियोरिजा से डेवलप होता है इसलिए वहां से टर्म आया रिजा, और फंजाई का ग्रीक वर्ड होता है माइको इसलिए बन गया माइकोरिजा, माइकोरिजा। यानी माइकोरिजा इज द एसोसिएशन ऑफ, इधर लिख देता हूं माइकोरिजा, माइकोरिजा इज द एसोसिएशन, एसोसिएशन बिटवीन, एसोसिएशन बिटवीन, माइकोरिजा इज द एसोसिएशन बिटवीन क्या बोलिएगा, रूट ऑफ, रूट ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट यानी कि पाइनस प्लस फंगस, फंगस। और आप जानते हैं रूट के लिए क्या टर्म है? रीजा। और फंगस के लिए माइको, क्या बन गया? माइकोरिजा, ठीक है। तो कहता है इज द एसोसिएशन, कैसा एसोसिएशन? म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, लिख लीजिएगा। इसका एक ट्रिक बताते हैं, मामा पापा, मामा पापा, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, माइकोरिजा, पाइनस फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, बोलिए क्लियर है? फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म क्लियर यहां तक? तो बताइए ये आपको पूरा का पूरा ये क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए लाइकेन, लाइकेन के बारे में आपको सब कुछ बताया हुआ, लाइकेन के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। लाइकेन क्या है? तो कहता है लाइकेन एलगी और फंजाई, लाइकेन के दो पार्टनर है, एक एलगी और एक फंजाई।
इसको बोलते हैं माइक्रोबायोट, इसको बोलते हैं फाइकोबायोट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं माइक्रोबायोट, उसको क्या बोलते हैं फाइकोबायोट। एल्गल पार्टनर भोजन बना के देता है फंगल पार्टनर को, और फंगल पार्टनर न्यूट्रिएंट्स लेके देता है किसको, एल्गल पार्टनर को। दोनों मिलके बनाता है कंपोजिट प्लांट या मिक्स प्लांट, उसको बोलते हैं लाइकेन। और पहले मैंने डिस्कस कर लिया है, लाइकेन को बोलते हैं पायोनियर ऑफ द प्लांट किंगडम। लाइकेन को बोलते हैं सल्फर पॉल्यूशन इंडिकेटिंग प्लांट, लाइकेन को बोलते हैं लिटमस पेपर प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, उसके एक पार्टनर को क्या बोलते हैं फाइकोबायोट, एक पार्टनर को बोलते हैं माइकोबायोट। माइकोबायोट न्यूट्रिएंट्स देगा, फाइकोबायोट उसको भोजन देगा, फोटोसिंथेटिक भोजन। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना? अब आइए, ठीक है, तो लाइकेन और माइकोरिजा किसके एग्जाम्पल हो गए, बुचुरिज्म। प्रोटो पॉपुलेशन में बुफेलो बर्ड, बुफेलो के ऊपर बर्ड बैठता है, गंदगी साफ करता है, उसका गंदगी साफ हो रहा है और बर्ड को भोजन मिल रहा है, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। बट क्या दोनों अगर अलग अलग होंगे सर्वाइव नहीं करेंगे, इजिली सर्वाइव करेंगे, इसलिए एग्जाम्पल किसका है, प्रोटो कॉपरेशन का। कोमेंसलिज्म में सार्क और रिमोरा, सार्क बड़ी मछली है, खाना खा खा के छोड़ती है, उस छोड़े हुए भोजन को कौन खा रही है, रिमोरा फिश। ठीक है, तो कहता है वो रिमोरा फिश क्या हो रहे, बेनिफिटेड, और सार्क अनइफेक्टेड, क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कोमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। ठीक है, कोमेंसलिज्म। और एमेंसलिज्म में कहता है, एमेंसलिज्म में क्या है, तो कहता है एमेंसलिज्म में दो चीजें हैं, एमेंसलिज्म में दो चीजें हैं, एक, ठीक है, एक क्या है एमेंसलिज्म में, एक है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया और एक है पेनिसिलियम फंगस। याद कीजिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का एक्सपेरिमेंट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब कल्चर प्लेट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को छोड़ के चले गए, उस पर फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो जितना दूर फंगल ग्रो किया था उतना दूर का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बर्बाद, मर गया। यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी तो ये हार्म्ड हो गया, बट पेनिसिलियम फंगस जहां भी रहता वहां पे पेनिसिलिन ही निकालता। ठीक है, तो पेनिसिलिन निकाला, वो अनइफेक्टेड है, वो पेनिसिलिन का सेक्रेशन उससे होते रहता है, बट उसके इफेक्ट से मर गया कौन, बैक्टीरिया। यानी कि मर गया कौन, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मर गया, इसलिए वो क्या हो गया, ठीक है, हार्म्ड हो गया। तो एक हार्म्ड और एक क्या हो गया, अनइफेक्टेड, दिस इज कॉल्ड एमेंसलिज्म। ये क्वेश्चन नीट में आपको पूछा हुआ है 2 से 3 बार नीट में, क्लियर है? ठीक है, अब न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म का एग्जांपल, एक ही पेड़ पे दो, एक बर्ड है, एक और मान लीजिए कि कोई गिलहरी वगैरह है, दोनों एक पेड़ पर रहते हैं, बट दोनों एक दूसरे से ना नुकसान ना फायदा, न्यूट्रलिज्म। प्रीडेटिज्म में बताया टाइगर और डियर का। पैरासिटिज्म में आपके ऊपर या हमारे ऊपर टिक्स माइट्स है, वो फायदे में रहता है, प्लाज्मोडियम फायदे में रहता है, वायरस फायदे में रहता है, और हमारा आपका कुछ न कुछ नुकसान तो होता है लेकिन मरते नहीं है, बच जाते हैं। ठीक है, कहते हैं पैरासिटिज्म ये हो गया। और कॉम्पिटिशन में अगर गलत कॉम्पिटिशन हो, दो जीवों के बीच कॉम्पिटिशन हो, लिमिटेड सोर्स के लिए, लिमिटेड सोर्स ऑफ फूड के लिए, ठीक है, हैबिटेट के लिए, तो वहां पे दोनों को लॉस होता है, दोनों लड़ते लड़ते मर जाते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा आपने क्या पढ़ा, एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको पूरा का पूरा आपको याद करना है, नोट्स बनाना है और हमें भेजना है। ठीक है, दिस इज बेस्ट शॉर्टेस्ट वीडियो, ठीक है, टू मेमोराइज द ऑल कंसेप्ट्स ऑफ, ठीक है, एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद ट्रिक्स एंड टेक्निक। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, वेट कीजिए।